स्टेट प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन और सुनामी ऑन रोड से हमारे डॉक्टर संजय कुलसर जी मौजूद हैं। दोनों संस्थाओं ने मिलकर पूरे शहर में जो प्रदूषण की समस्या है उसको लेकर कई मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं, और अभी जो ई रिक्शा संचालित हो रहे थे MB रोड पर, माननीय कमिश्नर साहब के आया निवेदन पर उसको रोक दिया गया है। तो ये एक तो पर्यावरण के इको फ्रेंडली है, तो बच्चों को लाने ले जाने का जो कार्य कर रहे थे ये, इससे बड़ी सुविधा थी। नहीं तो डीजल के वाहन उपयोग में आ रहे हैं और जितनी भी अभिभावक है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने महंगे वाहनों को बच्चों को लाने ले जाने के लिए कर सकें, और जो भी स्कूली वाहन है उनमें भी जो खर्चा आता है प्रति बच्चा सीट के हिसाब से वही 1200-1300 से कम का नहीं आता है। और ई रिक्शा वाले अगर बच्चे स्कूल से आते हैं या उनको सुविधा मिल रही है, सरकारी स्कूली बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल बच्चे हैं, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पर मेंटेन थे, और इसको बंद करने से थोड़ा सा दिक्कत बच्चों शिक्षा पर भी पड़ेगी। तो वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इसका विरोध भी करती है और इसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए निवेदन भी करती है प्रशासन से, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो और जो पर्यावरण की इको फ्रेंडली है उनको बढ़ाने का मौका दें। और डीजल वाहन जो 16,000 ऑटो आगरा के अंदर संचालित हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। डीजल वाहन बहुत सारे यहाँ चल रहे हैं जिसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर दबा दिया गया है, इसको बाहर निकालना चाहिए और इन ऑटो को संचालित होने से रोकना चाहिए, क्योंकि लोडर ऑटो हैं ये, अधिक लोड ले लेते हैं तो धुआं भी ज्यादा देते हैं ये और दिन में 85 चक्कर करते हैं, जबकि स्कूली वाहन जो बैटरी से ये ई रिक्शा संचालित है इनको कोई प्रदूषण चक्कर नहीं है, चाहे 100 चक्कर करें तो भी कोई प्रदूषण इसमें नहीं बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन आज एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है, और देश में दिल्ली क्या अपने उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक शहर हैं जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। अब अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आज समय ऐसा आ रहा है कि हम लोगों को ऐसे वाहन इस्तेमाल करने चाहिए जो कम पॉल्यूशन करें। अगर हम MG रोड की बात करें तो MG रोड में आगरा की कुछ ज्योग्राफी ऐसी है कि हम एक शहर से अगर दूसरे शहर जगह पर जाते हैं तो आपको MG रोड से जाना ही पड़ेगा। तो अगर MG रोड में ही आप बैन कर देंगे तो ये जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के बैन होने से क्या है कि समस्या ज्यादा आ रही है। अच्छा, इनमें क्या है कि इसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव जो वाहन यूज करेंगे सब पॉल्यूटिंग है, तो अब देखा गया MG रोड के आसपास बीमारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये ऐसा स्टडी की गई है मेडिकल कॉलेज में कि MG रोड के आसपास जो बच्चे हैं उनमें 50% से ज्यादा लोगों में सांस की समस्या है। तो अब हम को ये चाहिए कि ऐसे वाहन को इस्तेमाल करें जिनमें पॉल्यूशन कम हो, तो ये ई रिक्शा और जो CNG से चलते हैं ऑटो ये इसके लिए सूट करते हैं। अब ये बात एक अलग है कि ये ऑटो या इन CNG वाले जो ई रिक्शा से दिक्कत आती है ट्रैफिक समस्या की, ये बात सही है कि ये चौराहे पे या ट्रैफिक के नियमों को फॉलो नहीं करते तो इससे समस्या आती है, पर इसका इलाज ये है कि हम इसको टैकल करें और ऐसा ना होने दें, बजाय इसके कि हम एक ब्लैंकेट बैन लगा दें कि ये नहीं चलेंगे। तो ट्रैफिक समस्या तो देखिए बस भी करती हैं, कारें भी ऐसा नहीं है कभी यार वो भी नियम को फॉलो नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है हम कारों को बैन कर देंगे। अगर ट्रैफिक की समस्या आ रही है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। मुश्किल क्या है कि आज बच्चों में जो बीमारी हो रही है, बड़ों में बीमारी हो रही है, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर हम पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे तो 95% हमारे शहर में व्हीकल में पर्सनल है, और पर्सनल व्हीकल में केवल 5-7% जो CNG के हैं, तो सब डीजल से और पेट्रोल चलने वाले हैं। तो इनको अगर हमें डिस्करेज करना है तो हमको ऐसे वाहन को एनकरेज करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं दिल्ली में और जगह ई रिक्शा को, वो सब्सिडी भी दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे में हमको भी चाहिए, प्रशासन को ऐसे हम निवेदन करेंगे कि इस तरफ सोचें और इन ऐसे वाहनों को बढ़ावा दें ज्यादा से ज्यादा। अगर MG रोड भी बैन कर देंगे तो फिर शहर में एक जगह से दूसरे जाने में बहुत समस्या आती है। इन मुद्दों को उठाते हुए हमने एक एप्लीकेशन डाली थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, और ये मुद्दों को उठाया था, तीन मुद्दे हमने उठाए थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। पहला ये कि स्कूली बच्चों को समस्या आ रही है तो इससे उनका जो अधिकार है एजुकेशन का उस पर असर पड़ रहा है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में उनका अधिकार है उस पर फर्क पड़ रहा है। दूसरा ये जो पर्यावरण का जो एक अधिकार है एक राइट टू क्लीन एनवायरमेंट उस पर असर पड़ रहा था। तीसरा जो है कि बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं ऑटो या ई रिक्शा का, उनके अधिकार का हनन हो रहा था। तो इन तीनों को लेके हमने एक डाली थी एप्लीकेशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक डायरेक्शन दिए हैं प्रशासन को अथॉरिटीज को कि 6-8 हफ्ते में इस कंप्लेंट का निस्तारण करें और सूचित करें।